जी इस वक्त हम जतोई में पहुंचे हुए हैं और कोटला रहम अली में मौजूद हैं और हमारी बैक पे आप देख सकते हैं मस्जिद सकीनत सुगरा, बहुत ही आलीशान मस्जिद है और एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर। चलते हैं मस्जिद को अंदर विजिट कराते हैं आप हमारे साथ भाई। इस वक्त हम मस्जिद सकीनत सुगरा जतोई में मौजूद हैं, बहुत आलीशान मस्जिद है और इसमें तकरीबन 4000 लोगों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। इतनी प्यारी मस्जिद और इसको टर्किश डिज़ाइन में इसको तामीर किया गया और बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अल्लाह के घर बेशक बहुत खूबसूरत होते हैं और आबाद रहते हैं। और यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे मस्जिद की तामीर और यहाँ का जो उसकी मस्जिद की डिटेल्स हैं वो कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मस्जिद कब तामीर की, किसने कराई? हाँ, ये 2006 में आगाज़ हुआ था, 2007 में मुकम्मल हो गई थी। ये तकरीबन बताते हैं कि 18 माह में मुकम्मल हो गई थी। अच्छा। इसकी तामीर का काम मुकम्मल हो गया। तो ये तुर्किश डिज़ाइन में तामीर की गई है, कारीगर नजीना तुर्क थे बनाने वाले, ये नक्शा भी तुर्की का है। ये सादात ख़ानदान में से डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट अमेरिका में हैं, ये उन्होंने माशाल्लाह अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। ये बगैर चंदे के सारा काम करवाया है उन्होंने। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कितने नमाजी यहाँ एक वक्त? यहाँ तकरीबन ये मस्जिद की मुकम्मल अंदर बाहर 4000 नमाजी नमाज पढ़ सकते। और कितने रकबे पे मौजूद है ये? जी 52 कनाल पे। अच्छा। जलजला पारू बनाई गई है मस्जिद। अच्छा। और इसके ये रेटर पेंटर मुकम्मल तुर्की कारीगरों ने काम किया है। इसकी मालियत कितनी लगी है? भैया आज तक हमारे डॉक्टर सैयद शाह साहब ने कभी नहीं बताया किसी को, वो इतना तक कहते हैं कि जो मैंने खर्च किया है अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह पाक शाह साहब के इस काबिज को रहती दुनिया तक आबाद शाद फरमाए। ये हमारे पसमानदा इलाके में गरीब अवाम के बच्चों को तालीम देने में दिन रात ये इदारा गामजन है। दीनी दुनियावी दोनों तालीमें होती हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता। ये मस्जिद जो है ना, जैसे इन्होंने कहा कि ये 52 कनाल पे ये मुहित है और ये बुखारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, उन्होंने यहाँ इसको तामीर किया और उन्होंने इसकी मालियत नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इस पे अखराजात आए, लेकिन उन्होंने अपने जो खिदमत का और नेकी के जज्बे के तहत उसको डिस्क्लोज़ करने से मना किया हुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये काविश कबूल करे। और इतनी बड़ी मस्जिद और तकरीबन 4000 नमाजी एक वक्त में यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत है और इसको टर्किश आर्किटेक्चर से इन्होंने डिज़ाइन किया और अंदर भी खताती और टाइल्स और वो सारा डोम तक टर्किश स्टाइल के बहुत खूबसूरत है।
ख़ास तौर पे इसका इंटीरियर बहुत देखने के लायक है। और जब भी आप जतोई वाली साइड पे आएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट करें, और अल्लाह के घर आबाद रहते हैं और कायम रहते हैं, और अल्लाह ताला ही इनकी हिफाजत फरमाता है। और यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और ये इस कदर बैकवर्ड बिल्कुल छोटा सा एक गांव है तो उसमें ये बनाई गई है। और यहाँ नज़दीक के जो बच्चे हैं वो यहाँ दीनी तालीम भी हासिल करते हैं, और ये इतना बड़ा सदका जारिया हो रहा है। और हम भी चाहेंगे कि इसमें जिन जिन लोगों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके के लिए और आसानियां करें। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। डिस्कवर पाकिस्तान आपको दिखाएगा।